तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपना मोबाइल रिसेट कर दिया है और आपके फ़ोटो डिलीट हो गए हैं तो आप अपने फ़ोटो वापस कैसे ला सकते हो। मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट हुए चाहे 1 महीना हुआ हो चाहे 1 साल हुआ हो, आप अपने डिलीट हुए सभी फ़ोटो चुटकियों में वापस ला सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके फ़ोटो वापस आ जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, ठीक है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च बार में टाइप कर देना है गूगल फोटोज, ठीक है। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप कर देना है गूगल फोटोज, और जैसे आप लोग सर्च कर दे तो फर्स्ट नंबर पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, गूगल फोटोज ऑल योर फोटोज, ठीक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना, या फिर मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो, ठीक है। और जैसे आप लोग क्लिक कर देते हो यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा ऑप्शन साइन इन का, ठीक है। सिंपली आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ईमेल है यहाँ पर आपको अपना ईमेल डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पर वही डालना है जो आपने अपना फ़ोन रिसेट किया था उसमें जो ईमेल आईडी लॉगिन थी उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई मेरे को ईमेल आईडी अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे। तो यार अगर आपको ईमेल आईडी नहीं पता है तो यार आप अपने फ़ोटो नहीं वापस ला पाओगे। तो यार किसी ना किसी तरीके से आप अपने ईमेल आईडी ढूंढ कर यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। अगर आपको ईमेल आईडी पता है तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर दोस्तों आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, फिर अपना आपके जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक कर दे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेटिंग करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपके फ़ोन से जो फ़ोटो डिलीट हुए होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे फ़ोन से जो फ़ोटो डिलीट हो गए थे यहाँ पर आ चुके हैं। ज़्यादा फ़ोटो नहीं थे, थोड़े फ़ोटो थे, यहाँ पर आ चुके हैं। सिंपली आपको कोने के साइड पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके जितने सारे फ़ोटो डिलीट हुए थे सभी यहाँ पर फ़ोटो आ चुके हैं। जो आपने अपना फ़ोन रिसेट कर दिया होगा और आपके जो फ़ोटो डिलीट हो गए होंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको आपके फ़ोटो मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन फ़ोटो को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको एक फ़ोटो पर क्लिक कर देना। चलिए हम यहाँ पर एक फ़ोटो पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। सिंपली आपको इसको कर लेना है डाउनलोड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डाउनलोडिंग हो रहा है। चलिए हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फ़ोटो हो चुका है डाउनलोड। सिंपली आपको फिर से दूसरे वाले फ़ोटो पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको कर लेना है इसको डाउनलोड। तो इस प्रकार से आपके जितने सारे फ़ोटो डिलीट हुए होंगे तो फटाफट से यहाँ पर आपको डिलीट हुए फ़ोटो मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके फटाफट से अपने फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जो मैंने अभी फ़ोटो डाउनलोड किया हूँ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं गैलरी पर क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड में मेरा फ़ोटो आ चुका है। तो इस प्रकार से अगर आपने अपना फ़ोन रिसेट यानी बोले तो फॉर्मेट कर दिया है और आपके फ़ोटो डिलीट हो गए हैं तो आप चुटकियों में अपने डिलीट हुए फ़ोटो वापस ला सकते हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके डिलीट हुए फ़ोटो वापस आए या नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा किसी दूसरे वीडियोज़ के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।